वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल डियर स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में हम बी ए फोर्थ सेमेस्टर जनरल इंग्लिश के पेपर का एनालिसिस करेंगे तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बार हम सिलेबस देख लेते हैं ये पेपर है बी ए सेकेंड सेमेस्टर का लेकिन जो सिलेबस बी ए सेकेंड सेमेस्टर का है जनरल इंग्लिश का वही सिलेबस बी ए फोर्थ सेमेस्टर इंग्लिश का है इसमें बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है तो जो आज का पेपर हम एनालिस करने जा रहे हैं इससे जो आने वाला एग्ज़ाम है बी ए फोर्थ सेमेस्टर का उसमें क्वेश्चनस रिपीट हो सकते हैं या आपको बहुत से क्वेश्चन का पता चलेगा तो एक बार हम सिलेबस देख लेते हैं सो डियर स्टूडेंट्स ये रहा आपके सामने बी ए फोर्थ सेमेस्टर का जनरल इंग्लिश का सिलेबस ये बी ए के लिए भी है बी काम के लिए भी यानी आर्ट्स वालों के लिए भी और कॉमर्स वालों के लिए भी और जिन स्टूडेंट्स ने 2019 में एडमिशन लिया है उनके लिए ये सिलेबस है या उससे आगे जिन्होंने लिया है उनका चेंज हुआ है तो इसमें पहला यूनिट ट्रैवलॉजी है वाई वी ट्रेवल बाई पी को आयर सो यूनिट सेकेंड जो है ये है द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक यूनिट थर्ड में पोएट्री है पहली पॉइम है आइडेंटिटी कार्ड बाय महमूद दारविश और सेकंड पॉइम जो है डिगिंग बाय सीमोस हैनी सो थर्ड वन जो है वो है दिस इज़ ए फोटोग्राफ ऑफ मी ए मोमेंट बाय मार्गेट एटवुड सो लास्ट जो यूनिट फोर है इसमें है जूठन बाय ओम प्रकाश वाल्मिकी ये एक ऑटोबायोग्राफी है सो डियर स्टूडेंट्स ये आपके सामने है सेकंड सेमेस्टर जनरल इंग्लिश का सिलेबस ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने 2020 से एडमिशन लिया है तो इसमें आप पहला देखिए ट्रेवलॉजी है वाई वी ट्रैवल बाई पी को आयर यही फोर्थ सेमेस्टर में भी है सो so दूसरा जो है यूनिट सेकंड प्रोज है द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक ये भी फोर्थ सेमेस्टर में है सो यूनिट थर्ड में पोएट्री है पहली पॉइम है आइडेंटिटी कार्ड बाय महमूद दारविश ये फोर्थ सेमेस्टर में भी है दूसरी पॉइम है डिगिंग ये भी फोर्थ सेमेस्टर में है तीसरी पॉइम है दिस इज़ ए फोटोग्राफ ऑफ मी बाय मॉर्गरेट एटवुड ये भी फोर्थ सेमेस्टर में है और यूनिट फोर में है ऑटोबायोग्राफी जूठन ये भी फोर्थ सेमेस्टर में है तो आपने देखा इसमें एक यूनिट का भी फ़र्क नहीं है बिल्कुल जो सिलेबस बी ए सेकंड सेमेस्टर का है वही सिलेबस बी फोर्थ सेमेस्टर का भी है तो इस पेपर से क्वेश्चनस आएंगे आ सकते हैं आएंगे तो इसको हम एनालिस करते हैं तो पहला क्वेश्चन है हु डिस्कवर्ड एनीज डायरी एनीज डायरी वॉज डिस्कवर्ड बाई हिज़ फादर बाई हर फादर एनीज फादर इन नाइनटीन फोर्टी फाइव जब वो एमेस्टरडेम वापस आया तो उसको वो डायरी मिली सो द सेकेंड क्वेश्चन इज द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल रिटन बाई एनी फ्रेंक डील्स विथ एनीज़ बिलीव इन पोलिटिकल फ्रीडम हर रिलेशनशिप विथ हर पेरेंट्स हर फिज़िकल एंड मैंटल ग्रोथ ऑल ऑफ दीज ऑल ऑफ़ दीज इज़ ए रंसर क्योंकि जब हम एनी फ्रेंक की डायरी पढ़ते हैं तो उसमें हमें यह भी मिलता है कि जब नाजीज़ उन जीव पर म करते हैं वह भी हमें वो खून खराबा हमें देखने को मिलता है और उसकी पेरेंट्स के साथ कैसी रिलेशनशिप है वो भी हमें देखने को मिलता है जैसे एनी फ्रैंक उसमें लिखती है कि मेरी मम्मी जो है वो मुझे इक्वली ट्रीट नहीं करती वो मुझे वैसी ट्रीट नहीं करती जैसे मेरी बहन को करती है और उसमें हमें ये भी देखने को मिलता है उसकी फिज़िकल या उसके मेंटल पे जो डिप्रेशन था दबाव था जो बाहर के हालात थे या घर में उससे ट्रीट नहीं किया जा रहा था अच्छे से वो भी हमें देखने को मिलता है सो ऑल ऑफ दीज इज़ द रट आंसर सो थर्ड क्वेश्चन इज द डायरी ऑफ एनी फ्रेंक कैन बी रीड एज़ कंटेनिंग एनीज़ पर्सनल इवेंट्स क्योंकि उस डायरी में हमें उसके पर्सनल इवेंट्स वो हमें कुछ घर की बातें अपनी बातें भी बताती है अपनी उस डायरी में और कंटेनिंग हिस्टोरिकल इवेंट्स ऑफ नाजीज एग्रेशन ये भी उसमें हमें देखने को मिलता है कि वो नाजी यानी हिटलर कैसे ज्यूज पर जुल्म करता था उनको मारता था तो राइट आंसर इज बोथ ए एंड बी ये दोनों चीज़ें हमें उस डायरी में देखने को मिलती है सो द फोर्थ क्वेश्चन इज एनी फ्रैंक वाज एन शी वाज एन जीव जीव थी वो वी आर अपोजिट्स इन एवरी थिंग सो नेचुरली वी आर बाउंड टू रन अप अगेंस्ट ईच अदर हु आर वी बींग रेफर्ड टू हियर एनी एंड हर मदर क्योंकि एनी ने खुद उस डेयरी में बताया है कि मेरी जो मदर है वो मुझे इक्वली ट्रीट नहीं करती इसकी एक बहन भी होती है जिसका नाम होता है मॉर्गॉट तो एनी का ये कहना है कि मेरी जो मदर है वो उसको मुझसे अच्छा ट्रीट करती है और मुझे नज़रअंदाज करती है तो मेरी मम्मी जो है हम एक दूसरे बिल्कुल अपोजिट है एक दूसरे के मामले में सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एवरी थिंग हैज़ अपसेट मी अगेन दिस मॉर्निंग सो आई वॉज नॉट एबल टू फिनिश अ सिंगल थिंग प्रॉपरली एनी इज़ अपसेट बिकॉज हर मदर डज नॉट ट्रीट हर प्रॉपरली इसकी वजह से भी वो अपसेट है अपसेट थी शी हैज़ फॉट विथ मार्गॉट उसने वो मार्गॉट की किताब ली है अगर आपने ये पढ़ा होगा इसकी ये डायरी पढ़ी होगी तो शायद आपको पता होगा एनी ने मारगॉट की डायरी ली होती है उसकी वजह से उसको बेजती पड़ती है जिसकी वजह से वो अपसेट होती है ऑफ द वार बिटवीन जर्मन्स एंड अलाइज ये भी सही है कि बाहर वार चल रहा होता है हिटलर जीव को मारता है तो उसकी वजह से भी वो अपसेट रहती है होती है तो ऑल ऑफ दीज इज़ द राइट आंसर सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ डायरी राइटिंग इज़ मोस्टली पर्सनल पर्सनली होती है क्योंकि जब एक इंसान डायरी लिखता है तो वह पर्सनल इवेंट्स ही उसमें दर्ज करके रखता है Next question is, Annie had started writing her diary when she was dash dash years old. When she was, I think, 13 years old. When she was 13 years old, she So next question is, no one is able to keep out of it. The whole globe is waging war and although it is going better for allies, the end is not yet in sight. हु वायर द एलायज इन द सेकेंड वर्ल्ड वार सेकेंड वर्ल्ड वार में जो स्टूडेंट्स पोलिटिकल साइंस के होंगे उनको ये पता होगा सेकेंड वर्ल्ड वार में अलाइज थे यूनाइट स्टेट्स ब्रिटेन फ्रांस एंड सोवियन यानि यू एस एस आर ये अलायज थे और एक्सेस पावर्स में थे जर्मनी इटली एंड जापान सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज एकॉर्डिंग टू वन ऑफ द एंडी जीव लॉज द जीविश पीपल वाई मेड टू वियर ए येलो स्टार जीविश पीपल को ये बोला जाता था कि आप येल्लो स्टार पहनो ताकि हमें उनको दूर से पता चले कि यह जीव है अगर वो नहीं पहनते तो उनको मारा जाता था उनको कैंपस में लिया जाता था नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनी रिकॉर्डस हर हाइडिंग एज एडेंजर्स एडवेंचर उसने इसको बताया है कि ये मेरी ज़िंदगी का सबसे ख़तरनाक एडवेंचर था कि ऐसे छुपना बाहर से ऐसे जंग थे हालात ख़राब थे तो उसने इसको बताया है कि ये मेरी लाइफ का डेंजरस एडवेंचर है नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाट रीज़न डिड एनी गिव फॉर राइटिंग ए डायरी बिकॉज़ एनी शी हैज़ नो रियल फ्रेंड एनी के पास कोई दोस्त नहीं था अच्छा दोस्त नहीं था और उसको ये भी लगता था कि मैं एक तेरह साल की बच्ची हूँ अगर मैं अपनी बातें किसी को बोलूंगी तो वो शायद ही यकीन कर ले वो छोटा बच्चा समझ के छोटी बच्ची समझ के मुझे नज़रअंदाज़ करेगा तो उसने डायरी लिखना शुरू किया क्योंकि उसके पास कोई अच्छा दोस्त नहीं था ये भी उसने बताया कि पेपर इज़ मोर पेशेंट देन मैन क्योंकि जो भी मैं इससे लिखूंगी ये कभी डायरी कभी मुझे शिकायत नहीं करेगी सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वट नेम डज़ एनी गिव टू हर डायरी एनी ने अपनी डेयरी को नाम दिया था किटी के आई टी टी वाई इसको आप याद रखें ऑप्शन में आप देखिए के आई टी वाई भी लिखा है ये भी किटी है और के वाई टी टी वाई ये भी किटी है तो उसने नाम दिया है जिसमें डबल टी आते हैं के आई टी टी वाई किटी नेक्स्ट क्वेश्चन इज आफ्टर द अराइवल ऑफ जर्मस इन हॉलैंड जीव वायर फोर्सड टू रिमेन इनडोर्स बाई एट ओ क्लाक ज्यूज को बोला जाता था उनके लिए कानून था कि आपको आठ बजे के बाद बाहर नहीं रहना है और उनको ये भी परमिशन नहीं थी कि जो उनके कंपाउंड में जो गार्डन होता था या छोटी पार्क्स होती थी ये भी उनको इजाज़त नहीं थी कि वो उस गार्डन में बैठे या अपने कंपाउंड में बैठे सहन में बैठे ये भी परमिशन नहीं थी उनको नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ Any thought that people will not be interested in the unbosomings of a 13 year old girl. The word unbosoming means the act of disclosing one's personal thoughts, the act of disclosing one's troubled life, the act of disclosing one's innermost feelings. All of these is a right answer because now I have कि एनी को यह भी लगता था कि मेरी जो बातें हैं अगर मैं किसी और इंसान को बताऊं वो सोचेगा छोटी बच्ची समझ के उन पे ध्यान नहीं देगा वो उनको छोटी बातें लेगा नजरअंदाज करेगा तो ये सही आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन इज जूठन दलित स्लब कैन बी रीड एज ओम प्रकाश ऑटोबायोग्राफी प्रस्पेक्टिव डिपिस्टिंग दलित ऑपरेशन ओम प्रकाश अटेम्प्ट टू पोर्ट्रे द एक्सप्लाइटेशन एंड ह्यूमिलेशन ऑफ दलित ए हिस्टोरिकल अकाउंट फ्राम ए पर्सनल ऑल ऑफ दिस इज़ अ राइट आंसर क्योंकि जब हम जूटन पढ़ते हैं इसमें हमें ओम प्रकाश वाल्मीकि जो एक दलित था उसकी ऑटोबायोग्राफी भी देखने को मिलती है उसने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है इसमें और ये भी देखने को मिलता है कि कैसे दलित इसके साथ दूसरा बिहेव किया जाता था उनको इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता था जूटन कहते हैं जो हम खाना खाते हैं फिर जो हम उसमें छोड़ते हैं जो बाहर फेंकते हैं उसको कहते हैं जूटन कभी हम कहते हैं कि तुमने मुझे जूटा खिलाया यानी जो उसने खाया होता है उसमें से मुझे खिलाया तो दलित को ये फोर्स किया जाता था जब इंडिया में अनटचेबिलिटी थी उनको फोर्स किया जाता था कि हमारा ये जूटन खाओ हम जो खाना छोड़ते हैं जो फेंकते हैं वो तुम लोग खाओ दलितस जिनको हम चुहराज कहते हैं चमार होते थे उनको फोर्स किया जाता था कि ये खाना तुम खाओ और जब भी किसी जगह फंक्शन होता था किसी हाई क्लास घर में तो जो ये दलित होते थे चुहराज होते थे चमार्स होते थे ये घर के बाहर अपने बाल्टी या कोई बर्तन लेके जाते थे तो जो खाना फेंकते थे वो ये अपने बर्तनों में लेते थे और फिर घर जाके खाते थे और इनके बच्चे खुश होते थे कि शायद हमें आज कुछ अच्छा डिश मिला Next question is one of the characters from the choices given below is Christian by religion in the story Jutan sevak ram a character uh, Jutan me is autobiography me Jo religion se Christian hair. Next question is one of the characters in Jutan had developed a boil on his belly. Sukum Singh. जिसने ये डेवलपड है बॉयल ऑन हिज बैली अपनी शर्ट को ऊपर करना वगैरह वगैरह अगर आपने पढ़ा होगी ये ऑटोबायोग्राफी तो आपको मालूम होगा नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन जूटन वन ऑफ द करेक्टर्स वाज निक नेम्ड मुंशी जी मुंशी जी नरेटर का ही नाम था निक नेम जो उसके फादर ने उसको दिया था और नरेटर कौन है ओम प्रकाश वाल्मीकि इसको पापा जब देखता है इसके फादर जब देखते हैं इसको स्कूल में ये उस ग्राउंड की सफाई कर रहा होता है तो उसके फादर आते हैं वहां से गुजरते हैं तो उसको देखता है और उसको कहता है मुंशी जी तुम ये क्या कर रहे हो स्टोरी पढ़ के आपको पता चलेगा तो उस जगह हमें पता चलता है कि मुंशी जी नरेटर का ही निक नेम है पेट नेम है नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द नावल झूठा द रीपर्स वुड गेट वन शेफ आउट ऑफ टवेंटी जो दलित्स होते थे चमार्स होते थे ये जाते थे जो हाई क्लास होते थे वहाँ पे टगास होते थे तो उनकी खेतों में फ़सल काटने जाते थे और फसल जब हम काटते तो हम छोटे छोटे वो जमा करके बांधते हैं तो जब ये ट्वेंटी वन यानी इक्कीस जब वो काटते थे फिर वो बांधते थे जिनको हम पता नहीं क्या कहते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में या आप अपनी लैंग्वेज में क्या कहते हैं उनको तो इनको वो एक छोटा सा मिलता था छोटा सा गठा मिलता था उसका जिसमें एक किलो भी दाना नहीं निकलता था वीट ये काटने जाते थे उसमें एक किलो वीट भी नहीं होता था जब ये ट्वेंटी वन यानी इक्कीस वो जमा करते थे उनको बांधते थे फिर इनको एक मिलता था उससे नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ लॉन्ग डिड द हेड मास्टर मेक वॉल स्वीप द प्ले ग्राउंड तीन दिन तक लगातार जो जब इसका एडमिशन होता है स्कूल में वाल्मीकि ओम प्रकाश वाल्मीकि का तो इनको इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता था वहाँ पे इसको हेडमास्टर तीन दिन लगातार बोलता है कि स्कूल जो क्लास रूम्स हैं यहाँ पे इनको साफ करो और ग्राउंड को भी प्ले ग्राउंड जो होता है सामने उसको भी साफ़ करने भेजता है तो तीन दिन इसको लगातार ये सफाई करनी पड़ती है नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ सुरेंद्रज कंप्लीमेंट ऑन द डिलीशियस फूड सर्वड बाई वाल्मीकिज वाइफ मेड हर हैप्पी जब उसको सुरेंदर जब उनके घर आता है दलित्स के तो उसकी वाइफ जो उसके सामने खाना परोसती है तो वो कमेंट करता है कि ये बहुत ही डिलीशियस फूड है इसमें बहुत टेस्ट है जिसकी वजह से ओम प्रकाश वाल्मीकि की वाइफ खुश होती है नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आर द फॉलोइंग वॉज ट्रू ऑफ सुखबीर? ही है टू सन ये गलत है ही डाइड ऑफ ए वाउंड काजर बाय अ वाइल्ड बोर ये भी गलत है ही हैड बॉट ए बफेलो फॉर हिज फैमिली ये सही आंसर है कि उसने एक बफेलो लाया था फ्रॉम सुचित टागा इसमें भी क्वेश्चन आ सकता है नेक्स्ट एग्जाम में कि उसने किससे बफेलो लिया था उसका नाम था सुचित टागा से उसने एक बफेलो लिया था घर के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज वट वायर सम ऑफ द चेंज दैट हैड टेकन प्लेस एट द इंटर कॉलेज स्टूडेंट्स नो लॉन्गर सेट ऑन टाट्स जब ओम प्रकाश वाल्मीकि स्कूल में था तो वहां पे उनको मैथ्स पे बैठना पड़ता था और जब इसका एडमिशन इंटर कॉलेज में होता है वहां स्टूडेंट्स ओम प्रकाश बोलता है कि स्टूडेंट्स को अब मैथ्स पे नहीं बैठना पड़ता क्योंकि अब वहां पे चेयर्स लगी हुई है और यह भी सही आंसर है इसका दे वायर सेपरेट टीचर्स फॉर सेपरेट सब्जेक्ट्स यानी हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग टीचर था सो राइट आंसर इज बोथ ए एंड सी नेक्स्ट क्वेश्चन इज आफ्टर रीडिंग द एक्स्ट्रैक्ट विच इमोशंस कैन यू एसोसिएट विद नरेटर? जब हम ये एक्स्ट्रैक्ट पढ़ते हैं तो हमें कौन सी फीलिंग आती है नरेटर से एंगर तो नहीं आता स्कॉर्न सही है फ्रस्ट्रेशन भी नहीं आती तो ऑल आप दीज तो गलत ही है शिकॉर्न यानी फीलिंग ऑफ कॉन्टेम्प्ट कि उन दलित के साथ ऐसा क्यों किया जाता था हमें बुरा लगता है कि उनको क्यों इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता था राइट आंसर इज बी पार्ट स्कॉन नेक्स्ट क्वेश्चन इज जूरिंग हारवेस्ट टाइम द लेबर्स फ्रॉम द अनटचेबल कास्ट वायर गिवन दियर ड्यू वेजेस गलत है वुड प्रोटेस्ट अगेंस्ट दियर मिजरली वेज वुड ग्लैडली एक्सेप्ट वॉज गिवन टू हिम तो उनको जब वेजेस दिए जाते थे उनको पहले प्रोटेस्ट करना पड़ता था वहां पे धरना देना पड़ता था तब जाके उनको थोड़ा बहुत मिलता था तो राइट आंसर इज वुड प्रोटेस्ट अगेंस्ट दियर मिजरली वेज नेक्स्ट क्वेश्चन इज आफ्टर द वेडिंग ऑफ सुखदेव सिंह सुखदेव सिंह त्यागी इज डॉटर वाल्मीकि मदर वॉज ट्रीटली मीकली लेफ्ट आफ्टर बींग ह्यूमिलेटेड जब वो जब सुखदेव सिंह के बेटे की शादी होती है ये दलित वहाँ वाल्मिकी जो होता है ये इसकी माँ जो होती है ये जाते हैं उनके घर उनके बाहर बाकेट लेके बाल्टी लेके और वहाँ पे वेट करते हैं कि जब इसके मेहमान निकलेंगे बारातीज निकलेंगे तो जो बचा कुचा गुजा होगा वो हमारे बाल्टीज़ में डाला जाएगा ताकि हम उसको खा सके लेकिन जब उनके मेहमान चले जाते हैं तो सुखदेव सिंह इसकी मदर को बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिलेट करता है उसको बेइज़्जत करता है और वो मीकली यानी क्वाइटली वहाँ से चली जाती है और उसके बाद कभी वो इनके घर नहीं जाती है जूठन मांगने नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु एमरजस एज ए हीरोइक फिगर फ्रॉम द स्टोरी सो कोर्स वाल्मीकिज़ मदर क्योंकि हम देखते हैं कैसे इस इनकी मम्मी वाल्मीकि की मम्मी इनको पालती है इनके लिए दूसरों के घर जाती है उनसे जूठन लाती है इनको खिलाती है तो ये एक हीरो की तरह रोल निभाती है नेक्स्ट क्वेश्चन इज जूठन ए दलित लाइफ इज इट इज ए ऑटोबायोग्राफी तो यहां पे ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है क्वेश्चन ही गलत है जूटन दलित लाइफ एक ऑटोबायोग्राफी है इसमें शॉर्ट स्टोरी है नावल है फेबल है ऑल ऑफ दीज ये गलत है नेक्स्ट क्वेश्चन इज पीको आयर इज एन ब्रिटिश एशेस्ट एंड नावलिस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन

रेडिक्यूशनिज्म शेक्स अप आवर कंप्लेंसीज़ ऑल ऑफ दीज इज़ ए राइट आंसर क्योंकि पी को आयर का ये मानना है कि जब हम ट्रेवल करते हैं तो ये हमें सेवस फ्राम रेडिक्यूशनिज्म यानी ए फीलिंग ऑफ सेटिसफिकेशन देती है हम सेट्सफाई होते हैं या कंप्लेंसिस सीइंग ऑल द मॉरल एंड पॉलिटिकल इमरजेंसी जब हम पूरी दुनिया को देखते हैं उनके निज़ाम को देखते हैं, कल्चर को देखते हैं, तो हमारा माइंड भी ब्राड हो जाता है हम अपने आप को भूल जाते हैं तो ये ऑल ऑफ दीज इज़ राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन इज पीको आयर मैंटेनज देट ट्रैवल इमेंसपेट्स अस पीको आयर का मानना है कि ट्रैवल हमें इमेंसपेट करती है यानी ये हमें फ्री छोड़ती है आज़ादी देती है लीगल और सोशल या पॉलिटिकल रिस्ट्रिक्शन से जो हम पे पाबंदियाँ होती है ऐसी पाबंदियाँ इनसे हमें एमेंसपेट करती है फ्री छोड़ती है नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू पीको ट्रैवल एट लीस्ट फॉर अ मोमेंट मेक्स अस ट्रांसड ट्रांसिड यानी कि टू गो बियॉन्ड द रेंज ऑफ लिमिटस यानी आज़ाद होके जाना जिसपे कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो और टाइम को हमें ये ट्रांसलेट करती है जो हमारा फ्यूचर होता है पास्ट फ्यूचर उसको ट्रांसलेट करती है तो इसका सही जवाब है बोथ ए एंड बी नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए मैन नेवर गोज सो फार वेन ही डजेंट नो वायर ही इज़ गोइंग द लाइन इज हियर बाई ओलीवर कॉम वेल इस पर उतना ज़्यादा मैं श्योर नहीं हूँ लेकिन मेरे ख्याल से दिस इज़ द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द इसे वाई वी ट्रेवल द बेस्ट टिप्स आर कंपेयर टू द बेस्ट सपोर्ट्स क्योंकि पीको आयर का मानना है कि जो हम ट्रेवल करते हैं ये सबसे अच्छी खेल है सबसे अच्छा सपोर्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन ऑफ द प्लेस गिवन बिलो इज़ डिस्क्राइबड बाई पीको एज द मोस्ट अथॉरिटेरियन पोलिटिकल साइंस वाले स्टूडेंट्स को पता होगा अथॉरिटेरियन क्या है अथॉरिटेरियन मीन्स जहां पे एक ग्रुप या एक आदमी या एक पार्टी का रूल हो और लोगों को राइट्स का मौका ना हो वो अपने फ्रीडम को एक्सप्रेस ना करते हो तो पीको आयर इसने जो इसे ट्रेवलॉजी लिखी है वाई वी ट्रेवल उसने नॉर्थ कोरिया को मोस्ट अथॉरिटेरियन जगह बताया है नेक्स्ट क्वेश्चन इज संतयाना बिलीव दैट ट्रैवल कैन कीप द माइंड निम्बल यानी एक्टिव जहन को एक्टिव रखता है अकॉर्डिंग टू सत्याना किल प्रजोडाइज यानी जो चीज़ें हमें हार्म पहुंचा सकती है हमें नुकसान पहुंचा सकती है उनको वो ख़त्म करता है फॉस्टर ह्यूमर इनक्रेज करता है हमारे ह्यूमर को ऑल ऑफ दीज इज़ राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट ग्रेट जॉय ऑफ़ ट्रैवलिंग अकॉर्डिंग टू आयर इज़ सिम्पली द लगजरी ऑफ़ ट्रैवलिंग ऑल डैश डैश एट होम बिलीप्स एंड सटैनिटीज़ पर्सनल बिलोंगिंग्स प्रीवियस परसेप्शंस ऑल ऑफ दीज इज़ राइट आंसर क्योंकि जब ट्रैवल के लिए इंसान निकलता है अगर हम खुद के ऊपर भी एक्सपीरियंस करें तो मज़ा तब है जब इंसान सब कुछ छो घर में छोड़ के आगे निकल जाए कुछ भी ना साथ ले जाए नेक्स्ट क्वेश्चन इज आयर सेज वन वी ट्रेवल देन इन सर्च ऑफ बोथ सेल्फ एंड एनॉनिमिटी वट डज द वर्ड एनॉनिमिटी मीन फ्रीडम फ्राम बींग जजड लिविंग बिहाइंड आवर मटीरियल स्टेटस फ्रीडम फ्राम बींग लेबलड ऑल ऑफ दिस इज़ राइट आंसर क्योंकि जब हम ट्रेवल करने निकलते हैं तो हमें क्या होता है हमें आज़ादी मिलती है कोई हमें जज करे इससे भी आज़ादी मिलती है और हम ये भी भूल जाते हैं कि क्या हमारी बीवी है हम शादीशुदा है या नहीं मेटेरियल स्टेट्स को भी हम भूल जाते हैं और फ्रीडम फ्राम बींग लेबलड ये आज़ादी भी हमें मिलती है नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रेवल शोज अस ऑल द पार्ट्स ऑफ़ आवर सेल्वस दैट माइट अदरवाइज रिमेन अनअटेंडेड रस्टी राइट आंसर इज बोथ ए एंड बी ट्रेवल हमें वो चीज़ें भी दिखाती है अपनी जो हमने कभी छुई भी ना हो उन चीज़ों तक पहुंचाती है जो हमने अटेंड भी ना की हो और रस्ती यानी जिन चीज़ों पे जंग लगा होगा वो चीज़ें भी हमें दिखाती है हम कि हम किस जगह पे कमज़ोर है किस जगह पर हमारा दिमाग अच्छे से काम नहीं करता नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वर्ल्ड दैट पीको आयर डिस्क्राइबस इन हिज इसे इज़ टेक्नोलॉजिकली एडवांसड हाईली मोबाइल मल्टी कल्चरल ऑल ऑफ दीज इज़ राइट आंसर क्योंकि इस ट्रैवलॉजी में हमें ये सब चीज़ें देखने को मिलती है नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई डज़ पीको बिलीव दैट रोमांटिक पॉइंट इनागरेटेड एन इरा ऑफ ट्रैवल पीको को क्यों लगता है कि जो रोमांटिक पॉइंट है उन्होंने इरा ऑफ ट्रैवल को जन्म दिया है उसको इनागरेट किया है बिकॉज दे वायर द एपोस्टल ऑफ ओपन आई क्योंकि उन्होंने इस चीज़ को गौर से देखा है उन्होंने रियलाइज किया है ओपन आई टू तो सी और रियलाइज द ट्रूथ अबाउट समथिंग उन्होंने इस चीज को गौर से रियलाइज किया है नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनी डाइड बिफोर शी कुड रीच द एज ऑफ सिक्सटीन नेक्स्ट क्वेश्चन इज महमूद वॉज ए डैश डैश पॉइट महमूदारविश वॉज ए पलस्टीनियन पॉइट नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पोएम आई डी कार्ड कैन बी रीड एज डिसेंट पॉयम डिसेंट मीन्स एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियंस यानी जो पलस्टीन के लोग थे उनको ओपिनियंस उनके जो ओपिनियंस थे ख़्याल थे उनको वो एक्सप्रेस करने का मौका नहीं था क्योंकि वहाँ पर उन पर जुल्म किया जाता था हमारे सामने आज के बादशरे में भी, भी कुछ ऐसी एग्जाम्पल्स मौजूद है पॉएम एक्सप्रेसिंग ग्रीफ ये भी हमें देखने को मिलता है इस पोएम में कि उसमें किस तरह वो गम को इजहार करते हैं पोएम एक्सप्रेसिंग वायलेंस वायलेंस ऑफ पलस्टीनियन पीपल ऑल ऑफ़ दिस इज़ राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पोएम आई डी कार्ड और कैरीज़ द थीम ऑफ एग्जाइल कल्चरल आइडेंटिटी नेशनल आइडेंटिटी ऑल ऑफ दीज एग्जाइल यानी कि अपने ही मुल्क में उसको गैर समझना उसके उसको रुकाउट करना उसके लिए बैरियर्स क्रिएट करना अपने ही मुल्क में हमारे सामने भी ऐसी एग्जाम्पल्स मौजूद है नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पोएम आई डी कार्ड इज़ रिटन इन द फॉर्म ऑफ कन्वर्सेशन आई डी कार्ड कन्वर्सेशन फॉर्म में लिखी गई है क्योंकि उसमें पहले ही उससे पूछता है कोई आर्मी वाला सामने होता है और उससे पूछता है कि मुझे अपना कार्ड दिखाओ तो कन्वर्सेशन फॉर्म उसमें बातचीत होती है नेक्स्ट क्वेश्चन इज वट डज द वर्ड इगल मीन इन द पोय आई डी कार्ड इगल मीन द ब्लैक वॉन अराउंड जो अरब के लोग होते हैं वो ऐसे गर्दन को बांधते हैं वो जिसे हम यहाँ अपनी जुबान में मफलर कह सकते हैं मफलर होता है तो अरब के लोग वो इस गर्दन को पहनते हैं वो काला सा नेक्स्ट क्वेश्चन इज सीमूस हैनी वज एन डैश डैश पोइट सीमोस हैनी वज एन आयरिश पोइट और इसकी एक पोएम है हमारी बुक में जिसका नाम है डिगिंग नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पोएम डिगिंग ब्रिंगज डैश डैश सेटिंग टू रीडर्स माइंड फार्मर सेटिंग रूरल एग्रीकल्चरल ऑल ऑफ दीज राइट आंसर क्योंकि अगर आपने ये पॉइम पढ़ी होगी तो शायद आपको ख्याल होगा जब वो पोएम पढ़ता है तो उसकी दादा जो उसका फादर जो वो सब यही काम करते हैं डिगिंग का वो खोदना तो ये सारी सेटिंगस हमारे जहन में आती है नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द पोएम डिगिंग वन ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स दैट स्पीकर ब्रिंग्स फॉर हिज ग्रैंड फादर इज ए बोटल ऑफ मिल्क वो उसके लिए एक दूध की बोतल लाता है नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द पोएम डिगिंग द स्पीकर कंपेयर्स डिगिंग विथ राइटिंग राइटर कहता है सेमोस हैनी कि मेरे जो फादर ने काम किया है जमीन खोदना डिग किया मेरे ग्रैंड फादर ने उसके ग्रैंड फादर ने उसके फादर ने मतलब मेरी जो साथ पूछते हैं वो यही काम करते थे खोदना मैं भी खोदूंगा लेकिन मैं खोदूंगा विथ पेन मैं लिखूंगा उससे खोदूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई विल डिग विथ इट वट डज इट रेफर टू द स्पीकर्स पेन सेमोस हैनी इस पोयम में कहता है कि मैं भी खोदूंगा अपने पेरेंट्स की तरह बट मैं खोदूँगा अपने कलम से नेक्स्ट क्वेश्चन इज मारगरट एटवुड इज एंड डैश पॉइट इज़ ए कैनिडियन पॉइट नेक्स्ट क्वेश्चन इज मारगरट एटवुड इज ए पॉइट ऑल्सो ए नावलिस्ट पॉइट भी थी नावलिस्ट भी थी सो द रंसर इज बोथ ए एंड बी नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम दिस इज़ ए फोटोग्राफ ऑफ मी इज़ आर अपरेंस एंड रियलिटी क्वेस्ट फॉर आइडेंटिटी वुमेनज स्ट्रगल अगेंस्ट पेट्रियॉर्ची ऑल ऑफ दिस इज़ अ राइट आंसर क्योंकि जब हम देखते हैं जब हम पढ़ते हैं ये पोएम दिस इज़ ए फोटोग्राफ ऑफ मी दरअसल ऑथर ये बताना चाहती है कि औरत क्या है औरत को जो आज तक डिफाइन किया गया है वो सिर्फ मर्द की प्रस्पेक्टिव से डिफ़ाइन किया गया है कि जैसा मर्द ने बोला है औरत ऐसी है वैसी है तो वैसा ही दिखाया गया है लेकिन इस पोएम में वो दिखाना चाहती है कि औरत क्या है ये खुद एक औरत बताएगी ये बताने की कोशिश करती है वो इस पॉइम में नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पोएम दिस इज़ ए फोटोग्राफ ऑफ मी इज़ रिटन इन फ्रीवर्स नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पोएम दिस इज़ ए फोटोग्राफ ऑफ़ मी टर्नज फ्राम ए सिंपल डिस्क्रिप्शन ऑफ ए फोटोग्राफ इन द फर्स्ट सटेंज़ा इंटू डैश डैश इन द सेकेंड सटेंज़ा टेरेबल रेलिवेशन ऑफ स्पीकर्स डेथ तो जब हम देखते हैं जब हम ये पॉय पढ़ते हैं तो पहले हमें फ़ोटोग्राफ दिखाया जाता है और जब नेक्स्ट स्टेंजा आता है फिर उसमें बताया जाता है कि मैं उस लेक के पास थी और फिर उसी में मर गई तो राइट आंसर इज टेरेबल रेलिवेशन ऑफ स्पीकर्स डेथ सो डियर स्टूडेंट्स आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टिल देन, टेक केयर